गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। आई लव इट। आई कांट, मतलब मैं अपनी नॉर्मल आवाज में कम बात करती हूँ। आई एम अ डाइवोर्स लॉयर। सुन रहा है तो प्लीज कास्ट कीजिए। प्लीज नोज माय वीडियोस नाम से। लाइक गंगूबाई वाला मैंने देखा है, मैंने इंटरव्यू वाला देखा है, एंड आई एम लाइक एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में लोगों को सिर्फ तीन चीजों की वजह से याद किया जाता है, दैट इज टैलेंट, टैलेंट एंड टैलेंट। और ऐसी ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं, आलिया भट्ट। वेल, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आलिया भट्ट की बात क्यों कर रही हूँ, तो आपको बता दें कि आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज क्वाइट रिलेटेबल टू आलिया भट्ट, क्योंकि वो आलिया भट्ट जैसी ही हैं। उनके पास खूबसूरती वैसी है, वैसी चुलबुली भी है, वैसी टैलेंटेड भी है, लेकिन उनके पास एक और प्लस पॉइंट है, दैट इज जो हमारे पास नहीं है, उनकी वॉइस भी थोड़ी वैसी ही है। तो इसीलिए आज हम वेलकम करना चाहेंगे चांदनी मिमिक का। आप सभी जानते होंगे चांदनी की वीडियोस काफी वायरल होती हैं, और वो जिस तरह से मिमिक्री करती हैं वो तो सबको पसंद आता है। इनफैक्ट मेरी मम्मी उनकी मिमिक्री वीडियोस देख रही थी। सो हेलो चांदनी, वेलकम टू फिल्मी बीट। और मैं चाहूंगी कि आप ना अपना ये हाय हेलो अगर आप आलिया भट्ट वाली आवाज में कर दे तो मजा आ जाएगा। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। आई होप दैट यू गाइस आर हैविंग अ गुड टाइम, एंड आई होप दैट यू गाइस हैव वॉच्ड ब्रह्मास्त्र। Well, this was Chandni's first take on this Alia wali voice. तो अभी हम बाकी सारी बातचीत करने वाले हैं कि ये voice कैसे उन्होंने adapt की और इतना अच्छा modulation वो कैसे कर लेती हैं। तो मैं हूँ आपके साथ लवी चौधरी, और चांदनी से इस बातचीत में सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि चांदनी, मतलब ये modulation, ये mimicry वाला inspiration कैसे मिली? मतलब you wanted to do it as a voice over वाला artist? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी लवी, एंड आपकी मम्मा को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना और नमस्ते कहना आंटी को मेरा। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यार मिमिक्री इज नॉट समथिंग जो मुझे लगता है आप सिखा सकते हो। इट कम्स, अंदर से आता है आपको कहीं ना कहीं, तो सेम मेरे अंदर है। बहुत सबकॉन्शियस प्रोसेस है, मैं बैठ के डिसाइड नहीं करती हूँ कि मैं आज इसकी मिमिक्री करूँगी, कल उसकी मिमिक्री करूँगी। सबकॉन्शियसली मेरी आवाज अपने आप बदल जाती है। आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता। ये बहुत स्कैरी भी है और बहुत ब्यूटीफुल भी है, और हाँ दैट्स हाउ इट हैपेंस। और मैं बचपन से मिमिक्री करती आ रही हूँ। सो यू एंजॉय दैट थिंग, लाइक मिमिक्री करना? आई लव इट। आई कांट, मतलब मैं अपनी नॉर्मल आवाज में कम बात करती हूँ, मिमिक्री में ज्यादा बात करती हूँ। और तो हमें पता ही चल जाता है, नंबर ऑफ वीडियोस जितनी आपकी आती हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें पता चल जाता है कि चांदनी को अपनी आवाज में बात करने का टाइम ही ना मिलता होगा। यार हर कोई मिलता है चांदनी से, ही बोलता है आलिया वाली आवाज में बात करो। बट चांदनी, यहाँ पे मेरा एक और सवाल है कि आपकी और भी एक्ट्रेसेस की मिमिक्री वाली वीडियो हमने देखी है। इनफैक्ट आई हैव गॉन थ्रू योर वीडियो यूट्यूब चैनल, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें आप बाकी एक्ट्रेसेस की भी आवाज में मिमिक्री करती हैं, बट आलिया वाला सबको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है, तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरा यार सबको जो पसंद है, ऑफ कोर्स मुझे भी वही बहुत पसंद है, आलिया वाला डेफिनेटली। यस, दया बेन। मेरा ना बहुत, एक्चुअली मेरा ना फेवरेट मेरा बहुत रैंडम कैरेक्टर्स है जो मैं करती हूँ। तो दिस इज वन वॉइस जो मैं सिर्फ घर पे जैसे मैं बात करती हूँ, इट्स अ वेरी किड्स वॉइस, और मैंने एक्चुअली अपने घर वालों को भी सिखा दिया, तो सब बच्चों की आवाज में ही बात करते हैं मेरे घर में। मेरी मम्मा, मेरे पापा, ये किसी को पता नहीं है, बट मैं बता दूं कि लेजिट हम पूरा परिवार, हम जब बात करते हैं एक दूसरे से तो हम ऐसे बच्चों की आवाज में बात करते हैं, तो वो मुझे स्पेशली वो बहुत पसंद है, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ऑल्सो मैंने आपका एक छोटा सा चिटचैट वीडियो देखा था विद दर्शन रावल, तो उसमें आपने ना दया बहन वाली आवाज निकाली थी, एंड ही गॉट वेरी इंप्रेस्ड बाय दैट। मतलब उन्होंने वो रिकॉर्ड भी किया था, मुझे याद है। तो दर्शन जी से जब आप मिली, एंड देन करण जौहर से भी आप मिली थी, करण जौहर ने बोला था कि मैं भी आपकी वीडियोस देखता हूँ, आपको कैसी फीलिंग आई थी? मतलब यार कि अब तो फेमस हो गई हूँ मैं वो वाली? नहीं, ऐसे तो कभी मुझे आज तक फीलिंग आई नहीं कि मैं बहुत फेमस हो गई हूँ। मैं लाना भी नहीं चाहूंगी वो फीलिंग, मैं वो रखती हूँ। बट दर्शन से मैं मिली नहीं हूँ, मैं बहुत पहले मैं दर्शन से मिली थी, बट 2016 में, if I'm not wrong, 2017 में मैं दर्शन से मिली थी, एंड इंटरव्यू वाला चीज वो आई थिंक 2020 में हुआ था, दैट वाज जूम कॉल पे हुआ था। एंड यस, वो मैंने इंटरव्यू लिया था दर्शन का, एंड देन वो पूरा होने के बाद मैंने किया था, एंड लाइक लिसन नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग, बिकॉज आई एम ह्यूज दर्शन रावल फैन, ब्लू फैमिली, एंड आई लव हिम, ही इज डैम हॉट, ही डजंट वांट टू बी कॉल्ड क्यूट, सो आई ऑलवेज टेल हिम ही इज हॉट। एंड यस,
या नया गाना भी उनका आ रहा है अभी, उसके लिए बहुत 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 एक्साइटेड हूँ. एंड कमिंग बैक टू द करण जोहर पार्ट, दैट वाज, मैं बहुत ऐसे शॉक हो गई थी एकदम कि यार ये रियल है, क्योंकि मैं इसको मैं सिंक इन करने में बहुत टाइम लग रहा था मुझे. दैट वाज आउट ऑफ द बॉक्स वाला काफी, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि करण जोहर वहां पे आने वाले हैं, ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था. एंड देन मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही, मैं तो नहीं मिल रही, मैंने कहा मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे जाऊँ. तो माय फ्रेंड पलक, आरजे पलक, शी वाज लाइक नो यू कम विद मी, एंड देन यू नो शी टुक मी एंड शी वाज लाइक हैव यू मेट द इंटरनेट आलिया, एंड देन ही वाज लाइक यस आई हैव सीन योर वीडियोस एंड आलिया एक्चुअली ही नोज माय वीडियोस नाम से, लाइक गंगूबाई वाला मैंने देखा है, मैंने इंटरव्यू वाला देखा है, एंड आई एम लाइक दैट वाज बेस्ट. I can see that excitement in your eyes because अगर middle class वाले कोई भी लोग होते हैं, in fact आजकल ना social media पर ये videos बनाना, किसी भी मतलब normal daily life वाली चीजों से connect करके videos बनाना, ये बहुत ज्यादा है. तो उसमें pressure भी ऐसा रहता है कि हमको recognition वो वाली मिलेगी या नहीं. बट करण जौहर आपको अपने नाम से जानते हैं, मैंने वो वीडियो देखा भी था, और उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी की स्पेशली बहुत ज्यादा तारीफ की थी, बिकॉज वो आलिया के लिए भी काफी टफ रोल था, एंड आपने वो पानी की तरह मतलब इतने आसानी से कर दिया, हमको बहुत पसंद आया था. मतलब सब लोगों को ऑब्वियसली आलिया की वॉइस में आप चीजें बोलती हैं, एंड देन अभी जो रिसेंट वाला है दैट वाज शिवा वाला, कैन यू प्लीज डू इट. शिवा वाला, यस दैट वेंट वायरल, दैट वाज कुछ भी नहीं है शिवा, मैं बस तुम्हारे प्यार में जुड़ गई, ईशा तुम्हारा बटन शिवा. And then शिवा को चक्कर आ गया, something like गुरुजी शिवा को दौरे पड़ गए. It was so funny. तो अभी जैसा कि मैंने अभी बोला, social media पे बहुत सारे लोग ऐसे videos बनाते हैं. In fact everybody is like कि लोगों को दूर से लगता भी है कि इट्स अ शॉर्टकट टू अर्न मनी या फिर फेम पाने के लिए शॉर्टकट लोगों को लगता है, बट उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है. तो आई वांट टू नो आपसे कि आप कितनी मेहनत एक वीडियो को बनाने के लिए, एक रिसर्च, मतलब कितना वर्क होता है, कितना वर्कलोड होता है. यार आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो मतलब आप सारे दिन अपने फोन से चिटके हुए ही रहते हो. आप ये समझो हम कभी मतलब वो डे ऑफ ले ही नहीं पाते. मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि मैं एक 3 घंटे की पिक्चर फोन साइड में रख के देखना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत एंग्जाइटी हो जाएगी कि यार नहीं, मुझे एक बार चेक करना है कि शायद कोई इंपॉर्टेंट मेल आ गया होगा, कुछ आ गया होगा, यू नो. एंड देन मम्मा इज ऑल्सो यू नो कि अरे तू थोड़ा थोड़ा तो शांति रख यार, तू थोड़ा तो फोन साइड में रख, इतना क्या उसमें कोई दैट इज देस. बट इतना ज्यादा भी आई बिकॉज ये बहुत आप पर्सनल हो जाते हो अपने काम से बहुत ज्यादा, तो आप वो आप डिफरेंशिएट कर पाते हो. रूटीन सा बन जाता है वो कि नहीं उठना है, ये करना है, ये करना ही करना है. तो या ऑफ कोर्स, एंड देन यू नो द होल थिंग कि यार कॉन्सेप्ट सोचना पड़ता है, देन उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, देन उसका थोड़ा बहुत अब उसको कट शॉर्ट करते हो कि नहीं यू नो ये निकाल देते हैं इसको एक, अब क्या प्रेशर वो हो गया कि 1 मिनट 1.5 मिनट में फिट करनी है चीजें. पहले तो यूट्यूब पे डालते थे तो वो नहीं था कि चलो कितने भी मिनट का बनाना है, अब मैं फिट करना है आपको, तो वो यार इसको फिट करो. मेरा एक्चुअली भव्य गांधी के साथ में एक वीडियो आने वाला था, टप्पू के साथ में, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज वो 1 मिनट में फिट ही नहीं हुआ, वो 3 मिनट की क्लिप निकली. एंड आई एम लाइक लिसन आई कांट पुट दिस आउट राइट नाउ, एंड फिर उसको हटाना पड़ा. मैंने कहा यार आई कांट पुट दिस. आई तो रिक्वेस्ट की जरूरी नहीं है उसको रील पे डालो, वीडियो पे डाल दो इंस्टाग्राम पे, वो भी वायरल हो जाएगा बिकॉज एवरीबॉडी लव्स यू. इससे मेरा एक और सवाल ये है कि मतलब आप स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, एवरीथिंग यू डू फॉर योर वीडियोस, मतलब सारी चीजें आप ही करते हैं, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, सब कुछ? मोस्टली है. एंड स्पीकिंग ऑफ फोन चलाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट मारवाड़ी मम्मी हू हैव ना, यू इवन प्ले दैट कैरेक्टर, तो वो भी लोगों को काफी ज्यादा रिलेटेबल लगता है. स्पेशली मतलब मेरी तो आई एम नॉट फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, बट स्टिल वो इतना फन होता है. वो एक्चुअल में मतलब घर में ऐसा ही माहौल होता है क्या मारवाड़ी घरों में? यार ऑलमोस्ट थोड़ा एग्जैजरेटेड वर्जन है मेरा. तो नहीं बट लाइक हाँ, मतलब ये सब चीजें दिल्ली में सुनने तो मिलती है कि मतलब हाँ शादी वाली चीजें स्पेशली. तो यस मैंने रिसेंटली भी स्टोरी भी बनाई, एक कोई पूछ रहा था कि आप क्या करते हो, वीडियोस बना रही हूँ. तो आंटी ने मुझे पूछा कि नहीं आप करते क्या हो,
अब नाउ यू वांट टू अवॉइड कि भाई आपके पास कोई रिश्ता लेके नहीं है तो व्हाट डू यू से बिकॉज़ नाउ आई एम अ लॉयर सो आई वाज लाइक लिसन आई एम अ डाइवोर्स लॉयर एंड देन देयर एंड देयर आंटी वाज लाइक ओके बाय बिकॉज़ व्हाट डू यू वांट आई फील लाइक राइट आई एम टू यंग आई डोंट वांट टू गेट मैरिड अभी तो वो रिश्ता अवॉइड करने वाली चीज है तो वो सारी टैक्टिक्स अपनाती हूं मैं थोड़ी बहुत मतलब बीइंग अ लॉयर और इतना क्रिएटिव कंसेप्ट इतना क्रिएटिव मतलब एक कहते हैं ना कि ये हमारा मेन स्ट्रीम वाला फंडा है ये हमारा साइड बाय साइड वाला साइड चिक की तरह तो मतलब आप सच में लॉयर होके इतने क्रिएटिव हो दैट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग टू लाइक सी एंड इवन एक्सेप्टेड क्योंकि लोगों को लगता है कि लॉयर्स तो बहुत बोरिंग होते होंगे वो तो कानून की किताबों के कीड़े होते होंगे क्या ऐसा है क्या ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब परसेप्शन है लोगों का ऐसा नहीं है Okay, so coming from चांदनी ओनली तो आई एक्सेप्ट क्योंकि इनफैक्ट अभी चांदनी की इंटरव्यू में या फिर इस बातचीत में भी मैं कितनी बार उनसे बोल दूंगी तो आई लिटरली रिक्वेस्ट इवन अगेन कि आप वो मारवाड़ी मम्मी वाला एक्सेंट करेंगे बिल्कुल ना वो फोन का टॉपिक ही उठाएगी कि फोन बहुत चलाते हैं बच्चे नहीं आते लोग सारे दिन ही फोन पे रहोगे सुबह उठने तो आंख खुलना पहले के थाने देखना कि भाई इंस्टाग्राम पर काई आयो है इंस्टाग्राम पर काई आयो है अरे बिल्कुल यार समुदाय ही लखन को नहीं गए यार बाहर देख लो यार भगवान ने थोड़ा लो कुछ ही कुन करो यार थे सीरियसली मतलब मम्मियों की ना मुझे लगता है कि सारी मम्मी की यही प्रॉब्लम है कि फोन बहुत ज्यादा चलाते हैं और आपका तो मतलब वो काम भी है जैसे कि आपने बताया प्रोडक्शन मम्मी का अभी मुझे नोटिफिकेशन आया तो क्या कर रही बैठे हम यहीं पे हैं मम्मी हॉल में बैठी है शी इज लाइक क्या कर रही है अच्छा जाननी इवन बीइंग लाइक एक कंटेंट क्रिएटर जिसकी वीडियोस बहुत सारी वायरल भी हो चुकी हैं तो ऑब्वियसली फैमिली में रिलेटिव्स में सबने देखी होंगी तो मम्मी को भी एक्सेप्ट करने में इजीली मतलब एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ वीडियो तो बनाती है मेरी लड़की कंटेंट क्रिएटर है वो टैग मिलता है या फिर लाइक वीडियो ही बनाती रहती है वो दोनों जो इमोशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं तो आपके घर पे कैसा माहौल है नहीं कंटेंट क्रिएटर वाला ऐसा टैग नहीं है एंड मैंने शुरू से वैसे ही रखा है मैंने कहा बिकॉज़ आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज इन्फ्लुएंसर बिकॉज़ इन्फ्लुएंसर इज नॉट समथिंग यू कैन डिसाइड आप बैठ के नहीं डिसाइड करते हो कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ लोग डिसाइड करेंगे कि आपने उनको इन्फ्लुएंस किया है उन पे इम्पैक्ट किया है कि नहीं किया है तो आई वॉन्ट टू कॉल माई सेल्फ एन आर्टिस्ट जो मैं हमेशा अपने आप को एक आर्टिस्ट बोलती थी और मेरी मम्मा भी यही बोलती कि मेरा बच्चा आर्टिस्ट है वाओ यार मतलब ये तो काफी सपोर्टिव है ज्यादातर होता नहीं है मतलब मम्मियों को एक्चुअली समझ नहीं आता वो कांसेप्ट है क्या एक वो अलग जगह से आता है उनका ना एक वो पजेसिवनेस आता है कि नहीं यार मेरा बच्चे को मैं सिक्योर एग्जैक्टली यू नो एक क्या कहते हैं ये बहुत अनकन्वेंशनल मीडियम है राइट लाइक ठीक है आज तुम लाइमलाइट में हो आज व्हाट इफ कल नहीं हो बिल्कुल बिल्कुल इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रेशर या सो दैट इज देयर एंड तो उनका ना वो एक पजेसिवनेस के वे में आता है कि नहीं यार अभी भी वो मुझे इनफैक्ट कि वी वांट यू टू टेक योर दिस थिंग वेरी सीरियसली एलएलबी डिग्री एंड यू नो डू एलएलएफ नाउ सिर्फ एलएलबी से कुछ नहीं होएगा सो वो भी एक चीज आती है उनके में और डेली सो आर यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर एलएलबी नेवर से नेवर सो आई माइट And coming to this doing things, आपने बोला था कि you would love to work with Alia. What if you get a chance, like hypothetically, and I तो wish that you get it very soon because Alia versus Alia क्या मजा मतलब वो बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाला है. तो I wish कि जैसे करण जौहर ने बोला है तो Alia comes to you like Chandni, I saw your videos on me. तो वो अगर होगा वो situation में आपका क्या reaction होगा मतलब मेरा रिएक्शन छोड़ो मेरे वहाँ पे फिर रिएक्शन नहीं निकलता वहाँ पे जहाँ बोलना चाहिए वहाँ मैं बोल नहीं पाती हूँ फिर मैं एकदम जैसे मैं यार मेरे को लगता है पहले तो मैं बेहोश हो जाऊँ फिर मैं बाद में होश में आऊंगी फिर मैं बोलूंगी समबडी प्लीज पिंच मी फिर मैं देखूंगी ये असली में रियल चीज यार ये तो नहीं आई मीन डेफिनेटली यार आई वांट टू वर्क विद आई थिंक We would love to see you with her because मुझे लगता है बहुत से लोगों को आवाज भी पहचाननी आएगी कौन सी literal आलिया है और कौन सी चांदनी मिमिक वाली आलिया है अरे that's really sweet of you नहीं but हाँ definitely I mean movies is है plan है वही है यार obviously मतलब अभी ब्रह्मास्त्र आई थी then it will be going fun ride for her also क्योंकि जो fan मतलब fan following है वो fluctuate तो होती रहती है but जो आपने किया दैट इज यू आर नॉट
यू आर नॉट आलिया भट्ट एक्चुअली, बट यू आर बॉर्न विद दैट एक्स्ट्रा क्वालिटी इन यू जो सच में आलिया भट्ट के लोगों को याद, एंड एक सेकंड के लिए पता नहीं चलता कि सीरियसली आलिया नहीं है. आई वांट टू गिव दैट कॉम्प्लीमेंट टू यू पर्सनली कि बहुत अच्छी वीडियोज होती हैं, बहुत फन होती हैं, बहुत रिलेटेबल होती हैं, स्पेशली मम्मी वाली. मतलब मारवाड़ी फैमिली से ना होके भी मुझे लगता है कि हाँ ये होता होगा, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं दे आर लाइक दैट की बड़ी बड़ी सी बिंदी लगाना, सजना सवरना, एंड देन फोन वाली चीज पे तो एवरी मम्मी डू दैट. Yes, that's true. So, अभी आपके मतलब ये वाला प्रेशर कभी फील होता है कि मतलब बहुत सारे, जैसे आपने बोला कि कंटेंट क्रिएटर यू डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज दैट, बट एक आर्टिस्ट के तौर पर आर्टिस्ट भी बहुत सारे रहना चाहूंगी, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं रेस में पीछे ना रह जाऊँ, या फिर आज वाला जो फेम है जैसे कि मम्मी हमेशा इस चीज को लेकर परवाह करती है, वो कल वैनिश तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ दिमाग में कभी? यार मैं ना ऐसे फियर में अपना वीडियोज नहीं बनाती, फियर में कोई काम नहीं कर सकते यार, वो मेरे से बेटर करता है. ऑलवेज टेल एवरीवन इनफैक्ट कि आप दूसरों के लिए जब खुश होना सीखोगे ना दिल से, सिर्फ प्रिटेंशियस होके नहीं, दूसरों की खुशी में, सक्सेस में जब आप लिटरली खुश होगे ना, आई थिंक तब दैट्स द बेस्ट. बिकॉज मेरा किसी से कॉम्पिटिशन मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, मेरा कॉम्पिटिशन सिर्फ खुद से कि यार ठीक है मैं जो चांदनी जो मैं कल थी उससे मैं आज बेटर हूँ, क्या मैं और हार्ड वर्किंग हूँ, क्या मैं और मेहनत कर रही हूँ, दैट्स इट, बस बात. And then वो influencer वाले में तो actually होता भी, everybody wants to be called an influencer, but you don't want that. See, I won't deny that number game is not there, it's of course there, but आप number के बारे में सोच के ना artist अपनी creativity घटा देता है कहीं ना कहीं, तो आप सिर्फ अपनी creativity पे focus करो, number अपने आप आएंगे. I believe in that and I genuinely believe in that. It took me, I started from 2016. अब मुझे 2022 में जाके लोग जान रहे हैं, टाइम लगा. Exactly. It's just like कि अपने पेस से चलते रहो, things will happen. तो अभी मतलब आपके पास, आपको कोई पीयर प्रेशर ऐसा फील नहीं होता है, बट स्पीकिंग ऑफ लाइक सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब, तो यूट्यूब पे मोस्टली सेन के साथ भी मैंने आपकी एक छोटी सी क्लिप देखी थी, एंड शी इज अ जीनियस ऑफ यूट्यूब, लाइक वी कैन से दैट, वी कैन फ्रेम इट दैट वे, क्योंकि मोस्टली सेन ने बहुत सारी वीडियोज की हैं, इनफैक्ट लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया है कि फनी नहीं होती हैं, इवन देन हमने उनको जुग जुग जियो में देखा, इवन देन हमने उनको मिसमैच में देखा जिसका सीजन 2 आने वाला है, आज भी थोड़ी देर पहले उसका अनाउंसमेंट भी हुआ था. तो आर यू लुकिंग फॉर लाइक if you would get a chance to get into Bollywood, like Bollywood mein jaane ka, movies karne ka, you're fine with that being a lawyer? Yeah, definitely I want to. Main aapko wohi to bata rahi hu, I want to. Meko oh, please agar ye sun raha hai to please cast kijiye. Please Chandni ko cast karo, Alia versus Alia. ये कुछ ऐसा सिचुएशन होनी चाहिए. बट थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस, इट वॉज ग्रेट कनेक्टिंग विद यू, और ये चीज जानने में कि आप कितने सिंपली तरीके से बस अपना जो टैलेंट है उसको दिखा रहे हो, एक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हो, रादर देन काउंटिंग नंबर्स, रादर देन इस चीज के बारे में फिक्र करना कि लोग क्या कहेंगे. बट इट इज वेरी ग्रेट ऑफ यू, एंड ये वाली फील ना आजकल ज्यादा मिलती नहीं है. बट आलिया भट्ट की एक बार फिर से या फिर किसी और एक्ट्रेस की मिमिक्री करते हो, कैन यू प्लीज से कि लाइक यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दैट. तो जय जिनेंद्र बेटा, आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर, तो प्लीज जरा सब्सक्राइब कीजिए, जरा थैंक्स रिक्वेस्ट मेंशन नो कर दीजिए, वो लाल बटन मिल जाता भाई. Thank you so much, Chandni. It was fun talking to you. Thanks. So, and thanks. We hope to see you again. Like, मैं चाहती हूँ कि वो आलिया वर्सेस आलिया जो मेरे दिल की इच्छा है वो आए, तो फिर एक बार फिर से हम चैट करें ऐसे और मजा आएगा. Good. Let's see.